मंत्री जयवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या फैसला आज के कैबिनेट में हुआ है, खासतौर से आपके विभाग को लेकर? देखिए, एक तो आपके संज्ञान में होगा, जैसा कि लंबे समय से चिर प्रतीक्षित था इको टूरिज्म बोर्ड बनना, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनने से अपार संभावनाएं, उन चीज़ों की अभी तक विभागीय दिक्कतें आती थी, कहीं वन विभाग कोऑपरेट नहीं कर रहा करें, तो अभी इसके माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष पर गए हैं और उनकी अध्यक्षता में 10 विभागों को मिला करके इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है। और विभिन्न हम लोगों ने इससे बनाने से पहले विभिन्न जो अन्य स्टेट हैं जो बेस्ट अच्छा कर रहे हैं टूरिज्म में, उनका भी अध्ययन कराने का काम करके उनके जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उनको ग्रोथ मिली, अच्छे परिणाम मिले, उनको भी इसमें ऐड करके जोड़ने का काम किया है। क्या सेक्टर भी टारगेट किया गया है कि इन इन सेक्टरों में ये जो बोर्ड है वो काम करेगा? सारे सेक्टर्स, ये 10 चूँकि पहले गंगा के किनारे वाला हम लोग सेक्टर लिए हुए हैं, अभी ज़्यादा बुंदेलखंड में जो हेरिटेज किले पुराने हैं उन्हें हेरिटेज में संरक्षित करने का किए हुए हैं, 12 ही हमला टूरिस्ट सर्किल 12 पहले से हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, उन्हीं पर जोर रहेगा। और ख़ास रूप से कतरनिया घाट है अपना, आज कुकरेल पर भी निर्णय लिया गया है, ये सारी चीज़ें उसी में समाहित करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट मैं समझता हूँ, रेवेन्यू के मामले उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा अचीवमेंट, मील का पत्थर साबित होगा। अगले 5 साल में पुनः एक बार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का टूरिज्म, अगर विदेश की धरती से आने वाला टूरिस्ट हो या देश में कोई घूमने का मन बनाए, पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा, ये हमारा प्रयास है।